तो गाइस फिर से स्वागत करता हूँ तुम सबका एक और नया वीडियो में। सो गाइस आज तुम्हारा भाई बहुत खुश है क्योंकि तुम्हारे भाई के पास नया गाड़ी आ चुका है। फाइनली अब अपना सेटअप करेंगे और काम स्टार्ट करेंगे लॉकडाउन भर। सो गाइस जान सोच सकते हो लॉकडाउन भर मेरा कुछ भी काम नहीं हो पाया और मेरे पास दो ऑटो रिक्शा था, तुम सबको पता है। दोनों ऑटो रिक्शा में से एक ऑटो रिक्शा अभी फिलहाल बचा है और एक ऑटो रिक्शा मैंने बेच दिया है। चलो फाइनली आज का ब्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हैं और तुम सबको दिखाते हैं पूरा। ऑटो के लिए रुके हुए हैं, अंदर ही मेरे को जाना है पानी टंकी के पास। चलिए सो गाइस फाइनली ऑटो रिक्शा मिल चुका है और राजेश भैया मेरा वेट कर रहे हैं भेलपुर पानी टंकी के पास, उनको लेके और हमको जाना है हरुआ जो कि लंका से 20 किलोमीटर दूर है। वहाँ पे मेरी गाड़ी रेडी हो चुका है और मैनेजर साहब से मेरा फाइनली बात हो चुका है। उन्होंने मुझे बोला है कि आज आपको गाड़ी मिल जाएगी, तो अब देखिए वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन आज कंफर्म है कि मिल जाएगी। एक हफ्ते से टले जा रहा है, रोज़ बोलते हैं आज देंगे कल देंगे, लेकिन फाइनली आज बात हो चुका है मैनेजर साहब से कि आज दे देंगे गाड़ी। सो गाइस फाइनली गाड़ी आ चुकी है और कल इसलिए मैंने वीडियो कंप्लीट नहीं कर पाया था क्योंकि वहाँ पे 8 बजे मुझे गाड़ी मिला शाम को। तो और एक बात तुम सबको आज मैं बताना चाहता हूँ कि इस गाड़ी को लेने के लिए जो सबसे ज़्यादा मेरा हेल्प किए हैं वो हैं ईश्वर सर जो कि USA में रहते हैं और उनसे मेरा मुलाकात हुआ था। वो जब वाराणसी आए थे तब मैं ऑटो चलाता था और ऑटो से उनको घुमाता था, तो उन्होंने बोला बेटा तुम मेरा नंबर ले लो और कभी भी ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे एक बार ज़रूर याद करना। तो उनसे बातचीत हुई सर, मैंने सर को बताया कि ऐसा ऐसा सर बात है और मैं एक गाड़ी लेना चाहता हूँ, मुझे पैसे की आवश्यकता है, तो उन्होंने हेल्प किया। और बाकी समीर भाई हैं जो कि मेरे बहुत जिगरी दोस्त हैं, आने वाले ब्लॉग वीडियो में तुम सबको मिल जाएगा, वो उसके स्कॉर्पियो से घूमे हैं। और गाइस बताना चाहता हूँ अजय है मेरा बेस्ट फ्रेंड, वाराणसी में रहता था अभी बॉम्बे में रहता है, वो भी हेल्प किया। और भी मम्मी जहाँ पे काम करती हैं वहाँ से भी थोड़ा बहुत हेल्प मिला है मुझे इस गाड़ी को लेने के लिए। तो सबका थैंक यू सो मच कि आप सब ने मेरा इतना हेल्प किया इस गाड़ी को लेने के लिए और मैं अपना काम स्टार्ट करने वाला हूँ जल्दी। देख सकते हो ये महिंद्रा का पिकअप है, इधर पूरा ये और न्यू गाड़ी है। और आज पूजा हो गया है गाड़ी का फाइनली। सुबह मॉर्निंग में उठा, फ्रेश होने के बाद हनुमान जी मंदिर गया, वहाँ दर्शन पूजा करने के बाद अभी मैं अपनी बड़ी दीदी के घर आया था, थोड़ा सा मुलाकात किया उनसे, उसके बाद फाइनली आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। और तुम सबको वीडियो अच्छा लगा तो ब्रो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और छोटे भाई को प्यार करो क्योंकि तुम सबको ऐसे ही वीडियो अब रेगुलर मिलता रहेगा। चलो फाइनली वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।